चीन का माइंड वॉश हो चुका है, डर्टी गेम खेल रहा है, वायरस असली है लेकिन टेस्ट किट नकली है। जिनपिंग का नेक्स्ट प्लान घातक है, 100 दिन के अंदर क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है, सोचने वाली बात। लॉकडाउन की इमोशनल स्टोरी जिसे देखकर कलेजा फट जाएगा, आंखें भर आएंगी। कोरोना की टेंशन को अब नो टेंशन, नई रैपिड किट आएगी जिसका एवरेज 1 लाख पर डे होगा। कोरोना के जमाने में बदले बदले से जमाती हो गए हैं, जो पहले थूका करते थे अब रक्तदान करने लगे हैं। कभी HIV पॉजिटिव, कभी कोरोना पॉजिटिव, कब सुधरेगी सेक्स वर्कर्स की जिंदगी, ये रिपोर्ट सबसे हटकर हम आपको दिखाएंगे। मेडिसिन मार्केट में भारत का जलवा बड़ा, हिमाचल के सोलन से सप्लाई डिमांड हो गई हाई। आज की सबसे बड़ी और पहली फिक्र चीन की साजिश से जुड़ी है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच ने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन को जिस कोरोना वायरस के जन्म के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, आज उसका दंश दुनिया के सभी 155 देश झेल रहे हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा करीब 31 लाख पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 2,12,000 के पार हो गई है। ऐसे में दुनिया का गुस्सा चरम पर है और इस सब के लिए चीन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। आपके सामने ये चीन का कोरोना प्रपंच चक्र है, जिसके पास से दुनिया के कई देश मुक्त होना चाहते हैं। जापान समेत कई मुल्क चीन से कारोबार समेटने का मन बना चुके हैं। जर्मनी ने जिनपिंग से अरबों का हर्जाना मांगा है। ब्रिटेन भी अब चीन से बिजनेस को नामुमकिन बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी में चीन की भूमिका पर WHO से जांच की मांग की है। वहीं अमेरिका ने चीन को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चक्र में भारत का नाम क्यों, तो इसकी कहानी आगे बताएंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि दुनिया के कौन कौन से देश कोरोना वायरस के पीछे चीन की साजिश बता रहे हैं और इसके क्या प्रमाण है। क्या कोरोना फैलाकर अपना कारोबार बढ़ा रहा है चीन? क्या महाशक्ति बनने के लिए चीन ने महामारी वाला वायरस बनाया? इन सवालों को लेकर जंग में सबसे पहले कूदा अमेरिका। अमेरिका का आरोप है कि चीन की सरकार ने COVID-19 के खतरे और संक्रामक प्रकृति के बारे में दुनिया से झूठ बोला। जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनकी आवाज दबा दी और बीमारी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आरोप ये भी कि दूसरे देशों को घटिया एंटीबॉडी टेस्ट किट का निर्यात कर संकट की इस घड़ी में भी कमाई करने से बाज नहीं आया। अगर ये सब सच निकला तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। Doing a very strong investigation and we'll let you know what the result of that is. We should be able to get the answers to him. अमेरिका में मिसौरी की एक अदालत में तो चीन की सरकार, वहां के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे चीनी अधिकारियों और संस्थानों के खिलाफ अपनी तरह का पहला मुकदमा दायर हुआ है। और अब ट्रंप ने कहा कि चीन के खिलाफ बेहद गंभीर जांच कर रहा है और अगर बीजिंग को दोषी पाया गया तो इस बार अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है, जर्मनी से भी ज्यादा। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। कोरोना काल में पूरी दुनिया को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, आंकड़ों की जुबानी आपको इसका सच बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक विश्व को 9,00,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 684,00,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर में 5 में से 4 कामगार प्रभावित हो चुके हैं। संगठित क्षेत्र में करीब 130 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में, यानी कि भारत की आबादी के बराबर। असंगठित क्षेत्र में करीब 200 करोड़ लोगों की आमदनी खत्म हो सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क आज चीन से अदावत पर उतर आए हैं। देखते हैं अमेरिका के अलावा दूसरे देशों ने चीन के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए। चीन से रिश्ते तोड़ने और कारोबार समेटने की तैयारी करने वाले देशों का तर्क ये कि नवंबर में ही चीन को वुहान में कोरोना केस का पता चला, लेकिन चीन ने ना तो ये बात दुनिया को बताई, न ही वहां कर्फ्यू लगाया, बल्कि वुहान से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका, इटली और दूसरे देशों में जाते रहे। और चीन की यही चालबाजी एक एक कर कई देशों को चुभ रही है। यहां हम आपको चीन की 3 बड़ी चालबाजियां बताते हैं। चालबाजी नंबर 1, 10 जनवरी को चीन ने पहली बार WHO को कोरोना की जानकारी दी, जबकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वुहान में कोरोना का संक्रमण दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही फैल चुका था। चालबाजी नंबर 2,
20 जनवरी से करीब एक हफ्ता पहले ही चीन को पूरी जानकारी थी कि कोरोना आदमी से आदमी में फैलता है, लेकिन चीन ने इस जानकारी को करीब एक हफ्ता छुपाया। चीन की चालबाजी नंबर 3, चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देरी से कदम उठाए। यहां से दुनिया भर में लोगों के जाने के बाद चीन में लॉकडाउन लगा। चीन की इन्हीं साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद जापान जैसे देश ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से शिफ्ट करने की तैयारी कर ली। इन कंपनियों के लिए जापानी सरकार ने $2 अरब यानी करीब 15,260 करोड़ रुपए का कोष तैयार कर लिया। एक रिसर्च के मुताबिक चीन में काम करने वाली कुल 2,600 जापानी कंपनियों में 37% वहां से निकलना चाह रही। ब्रिटेन को भी शक है कि कोरोना महामारी के पीछे चीन की साजिश है, जिसके चलते आगे बिजनेस सामान्य तरीके से नहीं चल सकेगा। ब्रिटेन ने WHO और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मांग की है कि आखिर चीन ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। चीन ने इस सवाल का भी चालाकी से जवाब